हेलो दोस्तों, मैं हूं निर्मला और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही चटपटी तीखी हरी मिर्च फ्राई। हरी मिर्च को कैसे भी बनाया जाए, खाने में अच्छी ही लगती है और सबको पसंद भी होती है। चाहे तो रोटी पूरी पराठे के साथ खाई जाए या साइड डिश के रूप में सर्व किया जाए। तो इन्हीं हरी मिर्च से आज मैं आपको एक अलग तरीके की हरी मिर्च फ्राई बनाना बताऊंगी, जो खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। लेकिन इस खास रेसिपी के साथ एक खास सवाल भी, और इस खास सवाल का सही जवाब देने वाले 5 लकी विनर्स को मिलेगा टाटा संपन्न की तरफ से एक्साइटिंग गिफ्ट हैम्पर, जो आपके खाने को और भी स्वादिष्ट और जायकेदार बनाएगा। तो दोस्तों, इस खास सवाल का सही जवाब देने के लिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हरी मिर्च फ्राई बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 150 ग्राम हरी मिर्च ली हैं। इन्हें अच्छे से धोकर सुखा लिया है। मैं यहाँ पर मीडियम साइज की हरी मिर्च ले रही हूँ। आपको मार्केट में कई तरह की हरी मिर्च देखने को मिल जाएगी, तो वैसे तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी हरी मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये जो हरी मिर्च मैं ले रही हूँ, ये मीडियम तीखी आती है। एक इससे जो मोटी आती है वो और भी कम तीखी आती है। तो आपको तीखापन बिल्कुल कम पसंद है तो आप वो वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या ज़्यादा तीखा पसंद है तो इससे पतली वाली हरी मिर्च आती है वो भी ले सकते हैं। अब हरी मिर्च को सबसे पहले हम चीरा लगाएंगे। तो इसके लिए मैं हाथों को तेल या घी से ग्रीस कर लेती हूँ, क्योंकि फिर क्या होता है कि मिर्च काटने के बाद बहुत ही जलन लगती है हाथों में। तो तेल या घी से हाथों को ग्रीस करके यदि मिर्च काटी जाए तो फिर हाथों में जलन नहीं रहती है। तो बस बीच में से इस तरह हम चीरा लगा लेंगे। इसे हमें पूरा कट नहीं करना है। बीच में जैसे हरी मिर्च में हम स्टफिंग डालते हैं, ठीक उसी प्रकार का चीरा हमें लगाना है। तो कॉर्नर्स को छोड़ दें और बीच में एक चीरा मार दें। तो इससे जब हम तैयार करेंगे इन्हें तो मसाला खुद ब खुद इनके अंदर चला जाएगा। अब यदि आपको बिल्कुल भी तीखा पसंद नहीं है तो आप इन हरी मिर्च के बीज भी निकाल सकते हैं, तो इससे ये और भी कम तीखी लगेंगी। सारी हरी मिर्च मैंने इसी तरह से चीरा लगाकर तैयार कर ली है। और अब हम गैस पर एक पैन चढ़ाते हैं और इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच तेल। आप चाहें तो ये हरी मिर्च सरसों के तेल में भी बना सकते हैं या फिर घी में भी बना सकते हैं। तेल जैसे ही गर्म होता है, जो हरी मिर्च हमने तैयार करके रखी थी वो अब इस तेल के अंदर डालकर 1-2 मिनट के लिए ऐसे फ्राई कर लेते हैं। गैस का फ्लेम लो रखते हुए हम इन्हें फ्राई करेंगे। अभी हमें इन्हें आधा ही पकाना है, आधा हम इन्हें बाद में पकाएंगे। तो इन पर हम थोड़ा नमक भी स्प्रिंकल कर देते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जो इनके ऊपर की लेयर होगी उनमें नमक चला जाएगा, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अभी हरी मिर्च को हम 1 से 1.5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे, तो इससे ये धीरे धीरे थोड़ी पक भी जाएंगी और ऊपर का जो इनका कलर होता है वो जल्दी से चेंज नहीं होगा। वरना यदि फुल फ्लेम पर या ज़्यादा फ्लेम पर इन्हें पका दिया जाए तो ऊपर का जो छिलका होता है ना, वो बहुत ही जल्दी से ब्लैक होने लगता है। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे तो अभी जैसे ही ये पकना शुरू हो गई हैं, इनका ऊपर का जो छिलका है वो अलग होने लगता है, चटकने लगता है साथ ही। तो देखिए, ये हल्की सी श्रिंक हो गई हैं और ऊपर का जो छिलका होता है वो वाइट होने लगा है। तो बस इन्हें इतना ही पकाना है, इससे ज़्यादा हम इसे बाद में ही पकाएंगे। तो फिलहाल के लिए हम इन्हें निकाल लेते हैं दोबारा प्लेट के अंदर। इन हरी मिर्च को आप ऐसे भी ऊपर से नमक नींबू लगाकर खाएं तो ये खाने में अच्छी लगती हैं। तो चलिए आगे इन्हें मसालेदार बनाने के लिए दोबारा हमने सिम पैन लिया है, गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है और तेल इसमें सफिशियंट है, इससे ज़्यादा तेल हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब इस तेल के अंदर हम डालने वाले हैं 1 खड़ा मसाला, यानी 5 खड़े मसालों का बना है 1 खड़ा मसाला, यानी पंचपूरण मसाला। तो आप इस खड़े मसाले में देखेंगे तो इसमें आती है सौंफ, राई, मेथी दाना, कलौंजी और जीरा। तो ये 5 खड़े मसालों से बना 1 खड़ा मसाला होता है। इसका टेस्ट इन मिर्च में बहुत ही अच्छा आता है। यदि सपोज आपके पास ये मसाला नहीं है तो इनमें से कोई भी मसाला आपके पास है तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि आप ये मसाला इस्तेमाल करते हैं तो ऑलरेडी इसमें सारे मसाले मिक्स आते हैं, तो इस मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट आता है इस वजह से हरी मिर्च में। तो पंचपूरण मसाले को भी हमने कुछ सेकंड के लिए पका लिया है और अब हमने गैस का फ्लेम लो ही रखा है। इसके अंदर डाल देंगे 1 छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट। यदि आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। और अब लहसुन के पेस्ट को भी कुछ सेकंड के लिए हम और पकाएंगे।
तो बहुत ज़्यादा हमें लाल नहीं करना है, थोड़ा सा ही पका लेना है ताकि इसका हल्का कच्चा फ्लेवर निकल जाए। अभी आगे ये और पकेगा तो अच्छे से पक जाएगा। तो कुछ सेकंड के लिए हमने लहसुन को पका लिया है और अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच बेसन, और बेसन को भी इसके अंदर कुछ सेकंड के लिए रोस्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही बेसन रोस्ट होने लगता है तो देखिए कैसे फूलने लगता है, पहले ये वाइट होने लगता है और फिर धीरे धीरे लाल होने लगता है। तो बेसन डालने से हरी मिर्च में बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आता है और मसालों को काफ़ी अच्छी बाइंडिंग भी मिलती है। तो यहाँ पर बेसन आप देख सकते हैं हल्का लाल होने लगा है, गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया है ताकि ये और जले नहीं। अब इसमें डालने के लिए हम एक मसाला तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर आधा कप दही लिया है और दही को अच्छे से फेंट कर लिया है। फेंट कर लेने से दही क्या होगा कि जैसे ही पैन में डालेंगे तो वो फटेगा नहीं, यदि हम बिना फेंटे दही लेते हैं तो वो फट जाता है। अब दही आप खट्टा भी ले सकते हैं या नॉर्मल दही भी ले सकते हैं, थोड़ा खट्टा होगा तो उसी के अकॉर्डिंग जो हरी मिर्च होगी उसमें खट्टा टेस्ट आएगा। अब इसके अंदर हम डालेंगे कुछ मसाले। मसालों में हम डालेंगे एक बड़ी चम्मच धनिया पाउडर, तो धनिया पाउडर सारे मसालों में से थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। अच्छे कलर के लिए इसके अंदर एक चौथाई छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, और क्योंकि ये हरी मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं है तो अच्छे कलर और थोड़े से तीखेपन के लिए इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर देंगे। और हरी मिर्च थोड़ी चटपटी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो एक चम्मच हम इसके अंदर आमचूर का पाउडर ऐड करके सारे मसालों को अच्छे से दही के अंदर मिक्स कर लेंगे। तो देखिए बढ़िया सा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। तो अब इस पेस्ट को हम पैन के अंदर डालेंगे, और क्योंकि ये मसाले हैं वो हमने दही में मिला लिए हैं तो दही वैसे भी नहीं फटेगा। ऑलरेडी हमने बेसन पहले से डाला हुआ है तो कोई चांस नहीं है कि दही फट जाए, लेकिन फिर भी क्योंकि पैन गर्म है तो लगातार इसे ज़रूर चलाते रहें। और अभी तक हमने गैस का फ्लेम ऑन नहीं किया है, पहले सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर गैस का फ्लेम ऑन करके हम लो फ्लेम पर इस पेस्ट को अच्छे से पकाएंगे जब तक कि इसमें एक अच्छा सा उबाल ना आ जाए और मसाला एक जगह इकट्ठा ना होने लगे। यानी एक बढ़िया शाइनी मसाले का पेस्ट बनकर तैयार हो जाता है जब इस तरह से हम मसाला पकाते हैं। यदि आप इस रेसिपी में दही का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो जो पाउडर मसाले हमने लिए थे उन्हें पानी में घोलकर भी डाल सकते हैं और दही को स्किप कर सकते हैं। तो इस तरह से दही में डालकर या फिर पानी में डालकर मसालों को पकाया जाता है तो वो काफ़ी अच्छे फूलते भी हैं और धीरे धीरे पकने की वजह से उनका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। और देखिए जैसे ही ये मसाला पका है अपने आप ही पैन छोड़ने लगा है। तो अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे से ये पक चुका है और अभी इसे हम आगे और भी पकाएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं ये काफ़ी लटपटा सा हो गया है, इतना सूखा मसाला हमें नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाल देंगे और इसे दोबारा कुछ सेकंड के लिए पका लेते हैं। तो बहुत ही जल्दी से ये पक जाता है, ज़्यादा समय इसमें नहीं लगता है। और ये देखिए और भी बढ़िया पेस्ट हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर स्वादानुसार नमक भी डाल देंगे, और नमक हमने मिर्च को फ्राई करते समय भी डाला था तो उसके अकॉर्डिंग ही नमक डालेंगे। नमक को भी अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम जो हरी मिर्च फ्राई करके रखी थी वो भी इसके अंदर डाल लेते हैं। तो गैस का फ्लेम लो रखते हुए अभी इन हरी मिर्च को हमें पकाना है, क्योंकि हरी मिर्च को पहले हमने आधा पका लिया है तो बहुत ज़्यादा देर तक इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस अब एक दो मिनट में ये पककर तैयार हो जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है हम लो फ्लेम पर करेंगे ताकि ये जो पेस्ट है वो ज़्यादा सूखे भी नहीं और हरी मिर्च अच्छे से पक भी जाएँ और मसालों में काफ़ी अच्छे से कोट हो जाएँ। यदि आपको ज़रूरत लगे तो आप थोड़ा पानी और ऐड कर सकते हैं। गैस का फ्लेम लो रखते हुए पैन को हम कवर कर देते हैं ताकि ये धीरे धीरे अच्छे से पक भी जाएं और ये जो मसाला हमने बनाया है वो ज़्यादा सूखे भी नहीं। और ये देखिए कितनी बढ़िया हरी मिर्च लग रही हैं, देखने में बहुत ही सुंदर लग रही हैं, और लो फ्लेम पर पकाने की वजह से जो हरी मिर्च का कलर होता है वो भी बरकरार रहता है, वो भी देखने में काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो बस ये ऑलमोस्ट डन हो चुकी हैं, कुछ सेकेंड के लिए इसे हमें और पकाना है। तो इससे पहले हम इसमें डालेंगे गर्म मसाला। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ टाटा संपन्न का गरम मसाला, जो शेफ संजीव कपूर द्वारा एक खास रेसिपी से तैयार किया जाता है। टाटा संपन्न मसालों की खास बात यह है कि ये प्राकृतिक तेलों से भरपूर साबुत मसालों से बने होते हैं, और प्राकृतिक तेल मसालों का स्वाद तो बढ़ाते ही हैं, ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डालकर मैंने इन्हें अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो बस कुछ सेकंड के लिए इसे और पका लेते हैं ताकि गरम मसाले का भी अच्छा टेस्ट इन हरी मिर्च में आ जाए।
और ये लीजिए दोस्तों, चटपटी तीखी हरी मिर्च फ्राई बनकर तैयार है। आ रहा है ना देखकर मुँह में पानी, तो फिर देर किस बात की दोस्तों। आप भी ये हरी मिर्च फ्राई जरूर बनाएं, और कैसे बने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना भी ना भूलें। तो अब आ रही आती है उस खास सवाल की। तो मेरा सवाल दोस्तों ये है कि इस रेसिपी में मैंने कौन से खास मसाले का इस्तेमाल किया है और उस मसाले की खासियत क्या है। तो यदि आपने ये वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आई एम श्योर आपको जवाब पता होगा। तो लिख भेजिए अपना जवाब कमेंट में और जीतिए टाटा संपन्न की तरफ से एक्साइटिंग गिफ्ट हैम्पर। तो दोस्तों मेरी ऐसी और भी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए हंसाते रहिए।